दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रॉफिटेबल एक आपको स्कैनर बनाना सिखाऊंगा जो कि रेक्टेंगल पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। जहाँ कहीं पे भी आपको ये पैटर्न मिले तो ये समझ लेना कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा ये पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न। थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पे लाइव मार्केट में भी देखेंगे। रेक्टेंगल पैटर्न का मतलब क्या है कि जब मार्केट एक रेंज में है जो कि रेक्टेंगल के जैसा रेंज फुलफिल करेगा, या था फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मान के चलो जो ग्रीन की लाइन है, ये स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी ऊपर नीचे, मतलब एक एक रेंज में रहेगा। इसका मतलब क्या है, ना तो यहाँ पे बायर्स ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ना ही सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक रेंज में मार्केट चल रही है। लेकिन जब ये रेक्टेंगल जो है यहाँ तक की जो वैल्यू, अगर इसको ये ब्रेक करता है चाहे बायर्स वाली साइड में चाहे सेलर्स वाली साइड में, तो जो ये अगर मान के चलो यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो एक अच्छा यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, अगर ऐसा आपको देखने को मिले तो आप इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट क्या रख सकते हो? एक तो ये है कि आपका जो भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप उसके हिसाब से रख ही सकते हो, 2:4 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, जो भी है। या फिर दूसरा यहाँ पे ये जो काइंड ऑफ स्विंग बन रही थी यहाँ पे, ये जो स्विंग आप देख रहे हो, जो इसका लो पॉइंट यहाँ पे जो है इसको भी आप रख सकते हो। यहाँ पे क्या रख सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर अगर आप ज़्यादा अगर अपनी स्ट्रेटजी को और भी टाइट करके रखना चाहते हो तो जहाँ से आप एंट्री ले रहे हो उसको भी वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब अगर ये ऊपर की तरफ ये इसको अगर ब्रेक करके निकलता है तो यहाँ पे बाय की स्ट्रेटजी बन जाती है, अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है तो शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटजी बन जाती है। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं चार्ट के ऊपर कि जहाँ कहीं हम कोई रेंज दिखे उसको हमने पकड़ना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये रेंज रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा स्कैनर कैसे बनाना है। पहले इसको देखते हैं, मैंने जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ इंडिया का चार्ट 15 मिनट का चार्ट है, और पिछले कुछ दिनों का 27 जून का और 28 का यहाँ पे चार्ट है जहाँ पे ये पैटर्न मेरे को अच्छा सा देखने को मिला। ज़रूरी नहीं कि ये जो पैटर्न एग्जैक्ट आपको रेक्टेंगल में मिले, ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो आपकी अपनी समझ होगी। थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एक रेंज में रह रही है, ना तो बायर्स इसको ऊपर लेकर के जा रहा है ना सेलर इसको नीचे जाने दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये एक रेंज यहाँ पे बन रही है, अगर ध्यान से देखोगे रेक्टेंगल टाइप में, ये देखो मतलब इस एक रेंज में ही मार्केट थी SBI की, और यहाँ से जैसे इसने रेंज को ब्रेक किया एक अच्छा आपको मोमेंट देखने को मिला। थोड़ा सा और आगे करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए क्लियर कट यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, और जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया एक मार्केट का जो अच्छा यहाँ पे अपसाइड मार्केट गई। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया तो ज़्यादा कैंडल्स इस रेक्टेंगल के बीच में आएंगी। अगर हम इसको टाइम फ्रेम को लंबा लेंगे तो यहाँ पे हो सकती है कैंडल्स 4-5 या जितना भी कैंडल्स हो जो भी रेक्टेंगल का फॉर्म बने वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब बात आती है कि इसको हम किस तरीके से स्कैन करेंगे, उसके लिए हम अगेंस्ट स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले हैं। तो स्ट्रीक को मैं लॉग इन कर लेता हूँ फिर आगे आपको बताता हूँ। तो स्ट्रीक को मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, सेम वही आईडी पासवर्ड जो आप ज़रूरत का काइट यूज़ करने के लिए लॉगिन करने के यूज़ करते हो वही कर सकते हो, सेम आईडी पासवर्ड से स्ट्रीक लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके पास ज़रूरत का अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है ज़रूरत का, जिसको मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा 5paisa में है, अपस्टॉक्स में है, ICICI का डीमेट अकाउंट है आपके पास, एंजल वन है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब भाई यूज़ करने के लिए यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे इस तरीके का यहाँ पर डैशबोर्ड आपके सामने मिलता है, आपने कहाँ पर चले जाना है, ये जो नीचे प्लस वाला साइन देख रहे हो इसके ऊपर चले जाना है। नीचे बिल्कुल आप देखोगे प्लस वाला साइन है, वो सेक्शन है यहाँ पे स्कैनर्स का, तो उसके अंदर जाएंगे तो बिल्कुल एक ऐसा पेज आएगा माई स्कैनर्स, यहाँ पे जो आपके स्कैन बने रहेंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपने कहाँ चले जाना है, आपने चले जाना है डिस्कवर वाले सेक्शन में, ये वाला जो सेक्शन है डिस्कवर, इसमें चले जाओगे, व्यू ऑल की ऑप्शन है इसको भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसको नेविगेट करोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना है ये वाला वेबिनार स्कैनर्स। वेबिनार स्कैनर्स यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने अलग अलग यहाँ पे स्कैनर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपने रेक्टेंगल जो पैटर्न लिखा है इस स्कैनर के ऊपर आपने क्लिक करना है, रेक्टेंगल पैटर्न वाले के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्कैन की कंडीशन आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद में अगर ऊपर जाओगे आप तो यहाँ पे देखोगे गेट करके ऑप्शन लिखा आएगा, गेट गेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको बोलेगा कि जो आप स्कैनर को कॉपी करना चाहते हो उसका नाम दे दो, तो आपने नाम दे देना, वो जो स्कैनर है वो कॉपी होकर के आपके स्कैनर की लिस्ट में चला जाएगा। जैसे ही आपके स्कैनर की लिस्ट में चला गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है अपने स्कैनर पर इसको कॉपी, और उसके बाद में स्कैन नाव पे आपने क्लिक करना है। स्कैन नाव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो
भी स्टॉक इसमें मतलब फॉल कर रहे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे दो मैच यहाँ पे दिखा रहा था मेरे, क्योंकि अभी मार्केट लाइव है, मार्केट लाइव चल रही है, 1 आवर के टाइम फ्रेम के मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी एक स्टॉक मेरे को मिल रहा है कि जो कि रेक्टेंगल फॉर्म को मतलब बना करके बाहर निकल रहा है। ओके, तो एक ये चीज़ हमको मिल जाती है यहाँ पे कि मतलब सिर्फ कुछ ही क्लिक्स के साथ हमको यहाँ पे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाती है। अब एक बार ये मिल गई, इसकी अगर कंडीशंस को देखने जाओ तो कंडीशन को भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। पका पका आपको खाना मिल जाएगा, वहाँ पे अपने जाके स्कैनर करके इस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे, अगर पास्ट के डेटा पे भी आप इसको चेक कर सकते हो, और जो जो स्टॉक्स यहाँ पे निकल करके आएंगे उन स्टॉक्स में आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो कि आपको ऊपर की तरफ नीचे की तरफ से उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके भी आप कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर जो स्ट्रेटजीज रहेंगी कुछ एक दो अब जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके, उसके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियोज में बात करूंगा किस तरीके से हम इसके ऊपर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चैनल के ऊपर आए तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको जो आने वाली स्ट्रेटजी वो आपको पता चलती रहे। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या इसको यूज़ करने के कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल, स्ट्रीक को यूज़ करने के लिए आपको कुछ चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। दो तरीके का प्लान है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी हियर, पहला है रेगुलर प्लान है, सेकेंड वन इज अल्टीमेट है। रेगुलर वाला 700 है, अल्टीमेट वाला आपको 1400 के आसपास है। लेकिन अगर आप अल्टीमेट वाले में जाते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑप्शंस के ऊपर, एमसीएक्स के ऊपर, मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर भी अपने स्ट्रेटजीज को बना सकते हो, स्ट्रेटजी को यहाँ पे लाइव कर सकते हो, स्कैन कर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। और अल्टीमेट को अगर आप ईयरली के लिए इसको बाय करते हो, सिर्फ आपको 980 रुपीज़ पर मंथ ही पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में एक डिस्क्लेमर ये देता हूँ, ये जो वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, इस वीडियो को देख करके होने वाले लॉस या प्रॉफिट का जिम्मेदार आप खुद होंगे। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। लास्ट में बोलूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।